स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एचआर इंटरव्यूज की। एचआर इंटरव्यूज का ये मेरा सेकंड सेशन है जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उनका एनालिसिस करेंगे। एचआर इंटरव्यू जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपके ओवरऑल सिलेक्शन या हायरिंग की। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका क्या एक आइडियल या मॉडल आंसर होना चाहिए एक इंटरव्यूवी के लिए या एक कैंडिडेट के लिए, तो आज हमारी बात इस प्लेटफॉर्म पे होगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो लाइंस मैंने यहाँ पे कोट किए हैं इनका बहुत रेफरेंस है, बहुत मतलब है इनका। इनका ये मतलब है कि जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखें। और ये है, लेट्स बी रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड लेट्स स्टार्ट अ ऑल न्यू लाइफ। तो इस मोटिवेशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि एचआर इंटरव्यूज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड और दूसरा पेशेंस। सो इन दो फैक्टर्स को हमेशा अपनी पर्सनैलिटी में इन्वॉल्व करके रखें, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं आपका मूड, आपका टेम्पर या आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कम्प्लीटली इम्प्रेसिव बन सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ। क्लियर? एचआर इंटरव्यू, थिंग्स टू डू, क्या चीजें हैं एक बार इसको देख लें हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी एचआर इंटरव्यू अक्रॉस एनी इंडस्ट्री इट इज मस्ट टू डू रिसर्च इन टू वेरियस एरियाज लाइक द एवेन्यूज एंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब भी आप इंटरव्यू में अपियर होने वाले होते हैं, तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लें। डिटेल्ड एनालिसिस का ये मतलब होता है दोस्तों कि जब भी हम कंपनी को स्टडी करें, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर, उसके प्रोडक्ट्स, है ना, बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स उस कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तो इससे ये पता चलता है कि आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं उस कंपनी के इंटरव्यू में। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, कंपनी के बिजनेस की। जरूर इसका एनालिसिस करो, इसे पढ़ो, अपने फैक्ट्स को अपडेट करो कि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ना सिर्फ कंपनी की जिसमें आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बल्कि थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी आप करें उन कंपनीज का, ब्रांड्स का, जो उस पर्टिकुलर कंपटीशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो कुल मिला के समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ना सिर्फ कंपनी का बल्कि एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक स्टेप क्या है कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए उसकी एक ब्रीफ स्टडी, एक कंसाइज स्टडी भी आपके पास हो, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हो। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप कोका कोला के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो कोका कोला के कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनकी ब्रांड स्ट्रेटजीज क्या है, क्या नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके, उनकी प्राइसिंग पॉलिसीज क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। आप टेक्नोक्रेट है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बिजनेस के स्टूडेंट है, कुछ मैटर नहीं करता। सिर्फ ये मैटर करता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंडस्ट्री की, बिजनेस वर्टिकल की, ये अप टू डेट है और आपको इसके बारे में पता है। क्योंकि ये रुचि, ये जागरूकता जो है किसी भी इंटरव्यूवी के लिए होनी बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने पैशनेट हैं अपने इंटरव्यू के लेके। आगे बढ़ता हूं फ्रेंड्स। कंपनीज एड्रेस, वेबसाइट, यूआरएल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद ईमेल आईडी एंड मोबाइल, ये बेसिक इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए कंपनी को, ठीक है, उसके डोमेन को बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस इंटरेक्शन में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने आप को तैयार करते हैं मेंटली, फिजिकली इंटरव्यू के लिए, तो इन पॉइंट्स पे जरूर कंसंट्रेट करें, फोकस करें और कोशिश करें कि ये सारी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट इंटरव्यू में जाने से 2 या 3 दिन पहले तक आपके पास तैयार हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे बात करेंगे पहला क्वेश्चन, जहां से आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। और यूजुअली इस कन्वर्सेशन को या किसी भी कन्वर्सेशन को, चाहे वो फॉर्मल सेटिंग्स में है या कैजुअल सेटिंग्स में है, ठीक है, तो वो बेसिकली किसी ना किसी डायलॉग के साथ स्टार्ट होगी। और पहला क्वेश्चन, आप कोई भी कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, चाहे वो वर्चुअल मीडियम है, रियल मीडियम है, एक बात जरूर कहूंगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। क्लियर? तो सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है
कि जो इंटरव्यूअर है, रिक्रूटर है या जो एचआर प्रोफेशनल है, वो आपको एक्सप्लोर करना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है। व्हाई? बिकॉज ही इज विलिंग टू गिव यू अ जॉब। ठीक है, तो इसीलिए यू मस्ट बी रेडी टू अपियर फॉर द इंटरव्यू, और ये इंफॉर्मेशन आपके पास इस तरीके से हो कि आप इसको बहुत ही रैशनल या लॉजिकल वे में बता सके। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया है इस पर्टिकुलर आंसर को। ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इन दोनों का एक ही मतलब है, आप कंफ्यूज मत होइए। दोनों ही जो है क्वेश्चंस एक ही चीज आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में जानकारी दें। तो उसमें क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे आप बहुत आराम से देखें। आई एम आपका नाम, उसके बाद आई बिलोंग टू, जो पहला इंट्रोडक्टरी फेज या स्टेटमेंट है। उसके बाद आप ये बताते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपने क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस, और उसके बाद आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन। याद रहे कि जब भी आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप एक लॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस टूटता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यू कैन बी इन अ मेस और क्योस। तो इस चीज से बाहर निकलना है हमें। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरव्यूअर को, एचआर को दे रहे हैं, आप बहुत ही लॉजिकल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहां से एचआर को यह भी एक अंदाजा हो जाता है, उसको एक एस्टिमेशन मिल जाती है, अप्रोक्सीमेशन मिल जाती है कि आप कितने लॉजिकल वे में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा फोकस जो है वो इसी ऊपर है। तो इस पॉइंट को जरूर प्लीज फोकस कीजिए कि व्हाट्स एवर इंफॉर्मेशन यू हैव अ कंप्लीट क्लैरिटी ओवर इट। अगला क्वेश्चन जो है ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी और व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी। अब दोनों क्वेश्चंस का एनालिसिस करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, खास करके फ्रेशर को जो पहली बार इंडस्ट्री को ज्वाइन करने जा रहा है। दोनों क्वेश्चंस सिर्फ कंपनी पर फोकस्ड है, देख रहे हैं आप, जैसे यहां पे मैंने दोनों क्वेश्चंस में एक वर्ड कॉमनली यूज किया है लास्ट में, डेट इज कंपनी। ठीक है, तो कंपनी मतलब कि जिस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी के बारे में एक बेसिक स्टडी आप कर लें। ना सिर्फ बेसिक स्टडी, बल्कि आपको गूगल या विकिपीडिया से उस कंपनी के बारे में भी पता चल सकता है। तो आधे एक घंटे का एनालिसिस करें, एक पेज ले, एक पेन ले, और जो हो सकता है उसके बारे में लिखना शुरू करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी के बारे में, और आप अपना और इंटरव्यूअर का समय बर्बाद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी के बारे में जाना है, आप इंप्रेस्ड हैं, ठीक है, आपके अंदर जुनून है, पैशन है, इसलिए आप इस इंटरव्यू में जाना चाहते हैं। अब जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा आपके लिए, कंपनी इज इन लीडिंग एंड एक्सपेंडिंग फेज, इट शेल बी अ विन विन सिचुएशन टू वर्क विद सच एन ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं पे दोस्तों ध्यान रखो कि आपको जॉब के लिए थोड़ा सा अपने आप को और मोटिवेशनल रखना पड़ेगा, और सामने वाले इंटरव्यूअर को, एचआर को भी कन्विंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि आपको अलग से बोलनी पड़े, यू हैव टू स्पीक अप बिकॉज इट्स द क्वेश्चन ऑफ योर सिलेक्शन। तो इसीलिए लास्ट लाइंस को जरूर फोकस करें, और कोशिश करें कि आप किसी ना किसी तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे उस कंपनी को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, एचआर प्रोफेशनल को इम्प्रेस कर सकें। सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स सही लगे होंगे, और प्लीज फोकस करें इन बेसिक क्वेश्चंस पर। और ये पहली प्रेजेंटेशन थी जिसमें हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। ये वो क्वेश्चंस है जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, और इसीलिए इनके आंसर्स जो हैं वो भी कॉमनली आप या आपके बाद के कैंडिडेट्स या पहले के कैंडिडेट्स कॉमनली दे सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट अहेड ऑफ योर प्रोफेशनल करियर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।